तो लीजिए सुनते हैं श्रीमती साधना उपाध्याय एवं गिरीश बिल्लोरे मुकुल का नवीनतम पॉडकास्ट। महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस को किस तरह से आपने मातृशक्ति ने जबलपुर में मनाना प्रारंभ किया और जनता भी नहीं सरकार का भी ध्यान आकर्षित कैसे कराया आपने? जी गिरीश जी, ऐसा है कि जब हमारी संस्था का गठन हुआ और हम लोगों ने तय किया कि हम अपने नगर की दो महिलाओं के स्मृति दिवस अवश्य ही मनाए, चाहे और कुछ ना करें, जी। एक रानी दुर्गावती और एक सुभद्रा कुमारी चौहान। जी तो रानी दुर्गावती का कैसे हम स्मरण करेंगे? तो हमारी तीन सचिव श्रीमती श्यामा अग्रवाल जी, संस्था का नाम तो बताइए, किस संस्था? त्रिवेणी परिषद, हमारी संस्था त्रिवेणी परिषद, महिलाओं की संस्था का जब गठन हुआ जी, तो फिर ये सोचा गया कि रानी दुर्गावती को कैसे याद करेंगे जी। तो श्रीमती श्यामा अग्रवाल ने कहा कि मदन महल किले पर ही जाकर याद करेंगे। हाँ हाँ। अब उस वक्त मदन महल का किला जो था वह बिल्कुल असुरक्षित था, एक दो तो छोड़ो ग्रुप में भी जाने में लोग डरते थे। हाँ हाँ। तो फिर ये संकल्प लिया संस्था ने कि हम इस किले को निरापद बनाएंगे जी, ये संकल्प लेके हम लोग चले और पहले 24 जून को महल में कम से कम एक दिया तो जलाएं, अंधेरे में पड़ा रहता है। हाँ। यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की और पहले 24 जून को मात्र जाते थे और पहाड़ी चढ़ के जाते थे और उस वक्त कभी कभी हम लोगों ने बड़े कार्यक्रम भी किए, जैसे खैरागढ़ के सुमिरन धुर्वे का ग्रुप आया, रचना संस्था थी तो बहुत वृहत रूप में भी नाच गाना भी हुआ। कभी हम पांच ही महिलाएं जाते थे लेकिन प्रण ये था कि हम दिया जरूर जलाएंगे, साथ ही साथ सरकार से भी हम लोग प्रार्थना पत्र दे करके ये निवेदन करते थे कि रास्ता सुगम बन जाए और वहां पर कोई ना कोई सुरक्षा का इंतजाम हो। हम लोग भी जब जाते थे तो मदन महल थाने में एप्लीकेशन देके जाते थे कि आज हम वहाँ दिया जलाने जा रहे हैं, तो बहुत सारे रोचक किस्से हैं। किसी भी स्तर पे कोई कार्यक्रम नहीं हुआ करता था? नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं होता था, कोई कार्यक्रम नहीं होता था जी। और पहले तो हम लोग इनको चंद्रप्रभा पटेरिया, ये किस सन की बात है दीदी? ये 86 में, 1986 में, उसके पहले कुछ रजनीकांत यादव ने किए हैं, पर ऐसा कोई रेगुलर कुछ नहीं होता था। हाँ, ऐसा नहीं था, कुछ कुछ फोटोग्राफर फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होते थे लेकिन नियमित नहीं होते थे। और इस तरह से जब हम लोग लगातार प्रयास करते रहे तो जब यहाँ कलेक्टर विवेक ढांड आए तो उन्होंने हमारे इस बात को स्वीकार किया कि सुगम रास्ता बनाने के लिए सीढ़ियां का उन्होंने फिर योजना को पास किया जी। और इस तरह से एक निश्चित रास्ता बन गया और सीढ़ियां बनी और जब सीढ़ियां बनी और हमारे यहाँ पर ये थे नगर निगम आयुक्त थे शहनवाज हुसैन जी, तो उन्होंने दरगाह तरफ से कुछ रास्ता बनाया और कलेक्टर साहब ने इधर शारदा मंदिर की तरफ से सीढ़ियों का निर्माण कराया जी। और जिस साल सीढ़ियां बनी तो वहां पर हमारे डॉक्टर रोमा चटर्जी जी ने अपने स्वतः के खर्च से लाइट एंड साउंड प्रोग्राम कराया। अच्छा, मदन महल किले में दो बार लाइट एंड साउंड कार्यक्रम जी हुआ है जी। और इसके पूर्व रचना संस्था के सहयोग से हम लोगों ने मदन महल किले को सेट बना के नाटक खेला था कि आखिरी बार 22 जून को हाँ दुर्गावती कैसे यहाँ से निकल के गई। आज हम यही देख रहे थे कि कुछ नाटक की बात है लेकिन उस किले को ही किले पर ही उसी को सेट करके और जो रानी दुर्गावती बनी थी उसे ऊपर की छत से संबोधन दिया, नीचे उसके पूरे सैनिक खड़े हैं, इस तरह के सब दृश्य हैं, फोटो भी हैं। ये तो बड़ा मैंने कहना चाहिए बड़ा कठिन काम हो गया होगा। बहुत कठिन काम था गिरीश जी, उस वक्त तो सीढ़ी नहीं बनी थी और पानी भी उस दिन बहुत बरसा था, तो ये समझिए कि पहाड़ से पानी नीचे की ओर आ रहा था और हम लोग उसके विपरीत दिशा में पहाड़ में चढ़े और आयोजक तो महिलाएं थी सारी। हाँ हाँ, आयोजक महिलाएं थे पर हमको उस समय आनंद चौबे का जो रचना संस्था रचना जी, जी, हाँ, जी जो कवि सम्मेलन वगैरह कराते थे
उसके कलाकारों का हमको सहयोग मिला था जी। उसमें ये संजय खन्ना, राजेश पांडे, वीनू शर्मा जो भी इसमें है, दविंदर के साथ है, वीनू भी इस नाटक में थे। महेश पटेल, महेश ठाकुर की भूमिका निभाई थी, जो दुर्गावती को टीका करके युद्ध के लिए प्रस्थान करवाते हैं। तो इस तरह से ये भी सुनने में आया कि 1971 से कार्यक्रम चालू हो गए थे और ध्यान आकर्षण कराना शुरू कर दिया था। हाँ, तभी कई गुप्ता से करते थे, लेकिन 1985 के बाद आप लोगों ने इसमें तेजी ला दी। हाँ, फिर हम लोगों ने लगातार किया। अच्छा अच्छा, तब तो कभी कदाई होता था, लेकिन वहाँ से फिर हम लोगों ने जैसे प्रण कर लिया था कि 24 जून को तो किले में दिया जरूर जलाना है। हाँ। और समाधि स्थल पे कब ये कार्यक्रम शुरू हुआ जी? उनके समाधि स्थल पे कब कार्यक्रम? हाँ, समाधि स्थल का कार्यक्रम जो शुरू किया हम लोगों ने, वो जब यहाँ पर गौड़वाना उत्सव मनाने की बात आई थी। हाँ। तो उस वक्त हम लोग भी कमेटी में थे और यही था कि वो समाधि पे कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से जब वो गौड़वाना उत्सव डिक्लेयर भी हुआ तो उसका, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी, चुनाव तो जो उसके कर्ता धर्ता थे हरवंत सिंह ठाकुर मंत्री महोदय, उन्होंने योजना को स्वीकार किया था कि गौड़वाना उत्सव सिर्फ गौड़वाना पर केंद्रित होगा, उन्हीं स्थानों पर होगा जहाँ जहाँ गौड़वाना के से स्मृति जुड़ी है ये सब। लेकिन बाद में उसका रूप बदल गया और वो मार्च महीने में शहीद स्मारक के प्रांगण में आयोजित हुआ। अच्छा, इससे संबंधित ऐतिहासिक कुछ कार्यक्रम आपने किए हैं या वार्ताएं वगैरह? हाँ, तो फिर उसी वर्ष गिरीश जी जब यहाँ हो रहा था तो हमें बहुत दुख हुआ, हम लोगों को, हमारे सदस्यों को, कि समाधि तो अंधेरे में पड़ी है और शहर में जश्न मनाया जा रहा है। तो फिर हम लोग का अच्छा कुछ नहीं, चलो आज अपन समाधि पे तो चले। तो हम लोग फिर एकत्रित होकर के, हमारी सब सदस्य हैं, कुछ युवा लड़के भी उस समय आधार युवा संस्था के थे, गीता गीत के माध्यम से वो भी हम लोग के साथ चले और समाधि में हम लोगों ने जाके आसपास खेलने वाले बच्चों को और इसको उसको एकत्रित किया कि आओ आज अपन यहाँ नरई गाँव। हाँ, नरई गाँव के, और उस समय एक आदिवासी भी आ गए थे भीड़ में, सुक्कू गौड़। तो हम लोगों ने कहा सुक्कू गौड़ से कि आपका अधिकार पहला है, आप यहाँ दिया जलाइए। और गिरीश जी, बहुत सुखद बात यह है कि इस वक्त गीता गीत के साथ के जो बच्चे थे उन्होंने फोटो वोटो खींची और रात को समाचार भी पहुंचा दिया। और दूसरे दिन अखबार में एक तरफ थे शहीद स्मारक में राज्यपाल दिया जला रहे हैं और उसके बगल में फोटो थी सुक्कू गौड़ समाधि पे दिया जला रहा। वाह वाह वाह। फिर हम लोगों ने समाधि पर लगातार तब फिर जाना शुरू किया। फिर हम लोगों ने मदन महल किले के लिए 22 जून निर्धारित करी। हाँ। क्योंकि 22 जून को अंतिम बार रानी दुर्गावती जीवित अवस्था में उस किले से निकली हैं, मिथिया घाटी की ओर रवाना हुई हैं। हाँ। ये दृश्य हम लोगों ने नाटक में किया था, अंतिम प्रस्थान दो बार हम लोगों ने जो नाटक खेला उसमें। तो फिर अब हम लोग 22 जून को ये आखिरी बार इसके लिए ने जीवित रानी दुर्गावती को देखा था। हाँ। तो इसलिए वहां पर अब 22 जून को दिया जलाते हैं और 24 हाँ। जून को फिर समाधि पे। तो समाधि में भी 22 से 24 तक आप अपने आयोजनों को तो हाँ धीरे धीरे इसका विस्तार हो गया, 18 से 24 हो गया। ये लक्ष्मी बाई को का भी तो निधन 18 जून को हुआ था। हाँ। तो हम लोगों ने कार्यक्रम को लक्ष्मी दुर्गा संस्मरण कार्यक्रम बना दिया, लक्ष्मी दुर्गा बलिदान सप्ताह ऐसा हम लोगों ने इसका नाम दिया। जी जी, है ना जी। और फिर पूरे हफ्ते हम लोग कुछ कुछ कार्यक्रम फिर करने लगे, क्योंकि उसमें अति उत्साहित सदस्य थे तो उनकी इच्छा होती थी कि ये भी होना चाहिए, अच्छा ये भी होना चाहिए। तो हम लोग कहते थे चलो एक एक दिन एक एक की जो इच्छा है उसको हम लोग पूर्ति कर चले। और इस तरह से हम लोग सातों दिन तरह तरह से कई बार कई तरह के प्रोग्राम किए। वो अभी इस साल तक तो हम निभाते चले जा रहे हैं हम लोग। और समाधि में पहले हम लोग कार्यक्रम भी करते थे, यहाँ से तैयार करते ले जाते थे, कभी भातखंडे संगीत के गायक वादकों को लेके गए, कभी खुद हमारे यहाँ कोई शिविर लगा तो उनके बच्चों का कार्यक्रम। तो ऐसे समाधि में लगातार हम लोग जाते थे, खुद भी गाने तैयार किए,
हमारी सब गायिका ही थी, मिथिलेश नायक, मोहिनी पांडे, चंद्रा भाली राव, तो हम लोग खुद भी उनके पारंपरिक गीतों को वहां पर प्रस्तुत करते थे। फिर धीरे धीरे अब सरकारी कार्यक्रम भी होने लगे तो अब इतना ज्यादा, फिर ये इन लोग नगर निगम से जुड़ गए, मिलन और मित्र संघ इनका वो होने लगा, धावक वाला, अभी भी चालू है। इसमें हाँ, फिर जब इसमें ये लोग आने लगे अपने विधायक मंत्री, तो अब वहाँ काफी रौनक रहती है जी, तो राज्य संस्थान पर। आपने जो एक दीपक जलवाया था चुन्नू गौंड साहब जी, उसकी रोशनी तो, क्या नाम बताया, सुक्कू गौंड, सुक्कू भैया से, तो आपने जो सुक्कू गौंड जी से दीपक जलाया उसकी किरणें आज तक कितनी विस्तारित हो रही हैं, क्या आपसे फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे अगर कोई हो तो? अगर फोटोग्राफ तो है, अब हमने क्या किया कि अब बहुत सारा सामान बांध के जी, और हमने अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दिया क्योंकि बैठता पक्षी जी, और किला तो उसके भी पहले मदन शाह ने बनवाया, जी बताइए, ना तो अंग्रेज हमारे जबलपुर को प्रभावित कर पाए, ना मुगल ज्यादा कुछ कर पाए, और कारण रानी दुर्गावती ही थी। उसके बाद में अंग्रेजों से लड़ने के लिए रानी अवंती बाई आ गई, शंकर शाह रघुनाथ शाह ने तो पनिशमेंट भी भोगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, बहुत उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए, राजीव गांधी को नहीं मालूम था कि अगले क्षण क्या होने वाला है जी, लेकिन शंकर शाह रघुनाथ शाह को मालूम था, मालूम होते ही बंधे रहना तोप से, ये तो बहुत बहुत बड़ा दुखद पहलू है। बहुत। श्रोताओं, आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा कर रहे थे जबलपुर की संस्कृति कर्मी आदरणीय श्रीमती साधना उपाध्याय जी से, और ये पॉडकास्ट टेलीफोन पर रिकॉर्ड किया गया रानी दुर्गावती के वैभवशाली साम्राज्य के बारे में हम अपने पॉडकास्ट में कंटेंट दे रहे हैं। साधना जी, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी स्थानीय इतिहास के बारे में, कुछ मार्गदर्शन? हम दर्शकों से बहुत ही विनयपूर्ण अनुरोध करना चाहेंगे जी, कि हमारे यहाँ के जो ये स्थान है गोंडवाना से संबंधित, एक तो मदनमहल किला जरूर देखने जाएं। होता ये है कि हम 20 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट तो दिखाने ले जाते हैं अपने आयु अतिथियों को, लेकिन मदन महल नहीं ले जा पाते, ये तो पास में ही है और तो सीढ़ियों से सुगम रास्ता भी बन गया है। उसे देखें, उसको देखें कि चट्टानों पर किस तरह से ये बना हुआ है और इतने वर्ष तक भी खड़ा है ये। दूसरा, समाधि के भी दर्शन करें जी, बहुत प्रेरणा स्थान है वह, कि किस तरह से वह अकेली महिला और मुगलों की सेना से घिर गई और फिर उसने आत्म बलिदान किया। उनकी वो मूर्ति तो भवरताल में स्थापित है हाथी पर आरूढ, और समाधि में दुर्गावती ही नहीं उनके प्रिय हाथी की भी समाधि है जी, जी। सरमन जो वियोग में वही उसने प्राण त्यागे। और समाधि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी 1930 में, शेर गोविंद दास के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सब पैदल चल के समाधि पे गए थे, जब वहाँ सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर था, और वहाँ जाकर के इन लोगों ने देश को स्वतंत्र कराने की शपथ ली थी। तो इस दृष्टि से भी वो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो फोटो है भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, उसमें वो क्योंकि पहले तो पक्की समाधि नहीं थी, ये तो पन्ना लाल श्रीवास्तव जी जब मेयर हुए तब, ये जो वर्तमान रूप हम देख रहे हैं ये उनके मेयर काल में बना हुआ है। तो पन्ना लाल श्रीवास्तव नूह एडवोकेट पन्ना लाल जी, जो मशहूर शायर थे उनकी आप चर्चा कर रही हैं जी जी जी। तो वो जब मेरे गुरु जी भी थे वो हितकारिणी लॉ कॉलेज में, संविधान पढ़ाया करते थे जी, बिल्कुल विद्वान व्यक्ति थे वो, और तभी तो उनको संवेदना हुई ना जी, उनको बनाया जाए। और तीसरा,
विक्टोरिया अस्पताल, सॉरी एल्गिन अस्पताल के पास, जो शंकर शाह रघुनाथ शाह का जहाँ प्राणांत हुआ वह स्थान भी देखे। हालांकि वो कुछ बदल गया है, जो 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 स्पॉट बताते हैं वो बिल्कुल अस्पताल के सामने का एक त्रिकोण लगा हुआ, मूर्ति उनकी कहीं अलग स्थापित हुई है। और तो वहाँ एक कमरा भी है जहाँ इन लोग को लाके बंद करके रखा गया था, सामने जो आपका वो है कौन सा ऑफिस है, जी जी वन विभाग का, वन विभाग का। तो कई बार ये भी कोशिश की गई थी कि ये कमरा भी एक ऐतिहासिक महत्व का है, इसको भी इस तरह से बनाया जाए कि लोग आके देखें। तो कम से कम तीन आप उन लोगों के बारे में बताइए जो आपके इस मुहिम में साथ में रहे, या उनके नाम अगर आप स्मरण भूल गए हो चर्चा करते हुए। जी बिल्कुल, शुरुआती दौर में हमारे साथ जो जुड़े वो श्यामा अग्रवाल, आशा जड़े, उषा नावलेकर और सुषमा चौक से, जी ये सब पहाड़ पे चढ़ करके जाती थी। और सबसे बड़ी हमारी अध्यक्ष वत्सला बर्वे, जी जी जो हमारी प्रथम अध्यक्ष थी वत्सला बर्वे। त्रिवेणी हम लोगों ने 24 जून को कार्यक्रम किया था जी, तो जी। उन्होंने वहाँ पर राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल क्या बात की कविता गाई थी। मेरा नाम राशि तखल उत्साह मेघराज मुकुल राजस्थानी कवि थे जिनने हाड़ा रानी पर तो बड़ी प्रसिद्ध कविता लिखी है, लेकिन जब वो जबलपुर आए और उनने दुर्गावती का शौर्य देखा तो उस पर भी लिखा जी। जो भंवरताल में जो मूर्ति लगी है उसके एक तरफ ये राजस्थानी कविता लिखी हुई है बिल्कुल जी। तो बर्वे मैडम ने उसको गाया था वहाँ, और हम लोगों ने गोविंद प्रसाद तिवारी की जी रचना, जय जय दुर्गावती के पिताजी, हाँ अभय जी, अभय तिवारी के पिताजी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कवि गोविंद प्रसाद तिवारी की रचना हम लोगों ने समूह रूप से गाई थी। क्या उन्होंने उन्होंने जो गीत लिखा था वो गीत आपने कंपोज भी किया था? हाँ वो हम लोगों ने उस समय कंपोज किया था, और बाद में हमारी बहू ने जो नर्मदा पर बनाया है पूरा नृत्य नाटिका उसमें भी उस गीत को शामिल किया है, और तब चंद्रशेखर सेन गुप्ता ने धुन बनाई है जो वो नृत्य में शामिल किया है, झारखंडे के चंद्रशेखर सेन गुप्ता ने बनाई है वो।